हाय गाइस, डेली ईवी पॉलिसी नोटिफाई हुई थी 7 अगस्त 2020 को और इसका ये मकसद था कि डेली में ईवी अडॉप्शन को बढ़ाया जाए। इसका एक और मकसद था कि जो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं और वर्क प्लेसेस हैं और जो कि प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं जैसे कि बंगलो और हाउसेज, यहाँ पर चार्जिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाए। इसी के अंतर्गत दिल्ली के जो 3 डिस्कॉम्स हैं, BSES राजधानी, BSES यमुना और टाटा पावर ने एक टेंडर निकाला 14 जुलाई 2021 को, जिसके अंदर जो चार्जिंग इक्विपमेंट प्रोवाइडर्स हैं उनको एम्पैनल किया गया और वो दिल्ली के लोगों को सब्सिडाइज रेट पे चार्जिंग स्टेशन प्रोवाइड करेंगे। तो आज की वीडियो में देखेंगे कैसे दिल्ली के लोग इन सब्सिडाइज चार्जिंग स्टेशन को खरीद सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन इस सब्सिडी स्कीम का फायदा उठा सकता है। तो गाइस, स्कीम का फायदा उठा सकती हैं कमर्शियल बिल्डिंग जैसे कि मॉल्स और ऑफिसेज, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स जैसे कि हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज और किराना स्टोर्स एंड शॉप्स, और इस स्कीम का फायदा प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनर जैसे कि बंगलोज, इंडिविजुअल हाउस ओनर्स, अपार्टमेंट भी उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आते हैं टाइप ऑफ चार्जिंग स्टेशन जो इस सब्सिडी स्कीम में इन्वॉल्व है। तो पहला है आपका LEV AC चार्जर, दूसरा है आपका भारत AC 001 और तीसरा है DC 001। गाइस, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सब्सिडी है वो दो ही चार्जिंग स्टेशन में अवेलेबल है, LEV AC और भारत AC 001। तो गाइस, पहले देख लेते हैं कि सब्सिडी है कितनी। इसमें आपको प्रति चार्ज पॉइंट 6000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। अगर आप सिंगल ड्वेलिंग हाउस होल्ड है, बंगला है, घर है और आपके पास एक मीटर है बिजली का, तो उसमें आपको एक ही चार्जिंग स्टेशन के ऊपर सब्सिडी मिलेगी, यानी कि प्रति CA नंबर 1 चार्जिंग स्टेशन। गाइस, जो सेमी पब्लिक साइट्स हैं जैसे कि कॉलेज, हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और किराना स्टोर, वो 20 चार्जिंग स्टेशन तक खरीद सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक नियम है गाइस, जितने उनके पास पार्किंग स्पॉट है यह नंबर उसके 20% से कम होना चाहिए। यानी कि जैसे अगर किसी मॉल के पास 10 पार्किंग स्पॉट है तो उसका 20% हुआ 2, तो वो 2 ही सब्सिडाइज चार्जिंग स्टेशन खरीद सकते हैं। तो गाइस, अगर प्रोडक्ट की बात करें तो जो LEV AC चार्जिंग स्टेशन है, ये एक सिंगल सॉकेट चार्जिंग स्टेशन है जिसकी इनपुट और आउटपुट वोल्टेज 230 वोल्ट है और मैक्सिमम करंट 16 एम्पीयर है। ये एक वॉल माउंटेड चार्जर है, यानी कि दीवार पर आसानी से माउंट हो जाता है। इसके अंदर एक एनर्जी मीटर होता है जो आपको 98% एक्यूरेसी तक ये बता देगा कि कितनी एनर्जी, यानी कितनी यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई है। गाइस, ये चार्जिंग स्टेशन मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू चलाया जा सकता है। इसके अंदर LED लाइट्स हैं जो डिफरेंट प्रोसेस को इंडिकेट कर सकती हैं, जैसे कि अर्थिंग फॉल्ट, चार्जिंग हो रही है, नहीं हो रही है, डिवाइस एनेबल्ड है, डिसेबल्ड है, तो ये LED लाइटिंग के थ्रू ये डिवाइस आपको बता सकता है। इसके अलावा गाइस, इसमें अर्थिंग और सर्किट ब्रेकर जैसे बहुत सारे सेफ्टी फीचर भी हैं। तो गाइस, प्राइस की बात करें तो कजैम LEV AC आपको पड़ेगा 3000 रुपए का। इसकी असली कीमत 9000 रुपए है, लेकिन 6000 रुपए की अपफ्रंट सब्सिडी रखने के बाद इसकी प्राइस हो जाती है 3000 रुपए। यानी कि 6000 रुपए की आपको अपफ्रंट सब्सिडी मिलेगी, आपको सिर्फ 3000 रुपए पे करने हैं। स्कोप ऑफ वर्क की बात करें तो गाइस, इसमें इंस्टॉलेशन, डिलीवरी, एनुअल मेंटेनेंस और 5 मीटर तक का वायर कॉस्ट इंक्लूडेड है। गाइस, बात करते हैं टाइप 1 चार्जिंग स्टेशन की, जिसको भारत AC 001 चार्जिंग स्टेशन भी कहा जाता है। इसके अंदर 3 सॉकेट्स होते हैं और तीनों जो हैं आपके 230 वोल्ट के होते हैं और 15 एम्पीयर का करंट देते हैं। इसका फायदा है कि इसमें आप एक बार में 3 गाड़ियां चार्ज कर सकते हैं। ये एक 3-फेज डिवाइस होता है। गाइस, ये भी मोबाइल ऐप से चल सकता है। इसके अंदर विजुअल इंडिकेटर्स और सेफ्टी फीचर्स होते हैं। गाइस, आखिरी बात, ये चार्जर OCPP बेस्ड प्रोटोकॉल पे चलते हैं। जो जानना चाहते हैं कि OCPP बेस्ड प्रोटोकॉल क्या होती है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। गाइस, इसी तरह डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि कजैम कंपनी ये चार्जिंग स्टेशन नहीं प्रोवाइड कर रही है, लेकिन ऐसे बहुत सारे वेंडर्स हैं जो इस स्कीम के थ्रू ये वाले चार्जिंग स्टेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप ये वाले चार्जिंग स्टेशन खरीदना चाहते हैं तो आप जाके खरीद सकते हैं। इसकी कॉस्ट करीब लगभग आपको 32,000 से 35,000 के बीच में पड़ेगी सब्सिडी के बाद। गाइस, DC चार्जिंग स्टेशन का डिस्कशन हम इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि इसके ऊपर सब्सिडी अवेलेबल नहीं है। आप इस पोर्टल के थ्रू आप DC चार्जिंग स्टेशन खरीद सकते हैं, हाउएवर इसमें कोई अपफ्रंट सब्सिडी आपको नहीं मिलेगी। तो गाइस, बात करते हैं कि आखिर चार्जिंग स्टेशन खरीदना कैसे और सब्सिडी स्कीम का फायदा कैसे उठाना है। तो गाइस, जो तीनों डिस्कॉम है दिल्ली की, BSES राजधानी, BSES यमुना और टाटा पावर ने अपनी वेबसाइट के ऊपर पोर्टल लाइव किया है, जहां पर आप जाके लॉग इन करके अपनी पसंद का चार्जिंग स्टेशन खरीद सकते हैं। इन तीनों पोर्टल्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप जिस भी डिस्कॉम को बिलोंग करते हैं, जिस भी एरिया में आप रहते हैं, उसके हिसाब से आप उस पोर्टल में लॉग इन करके चार्जिंग स्टेशन खरीद सकते हैं। एक किसी पर्टिकुलर डिस्कॉम का प्रोसेस हम देखते हैं। सो गाइज, आप अपनी डिस्कॉम के पोर्टल पे जाएंगे, यहाँ पर हमने टाटा पावर का जो पोर्टल है सब्सिडी के लिए वो दिखाया है। उसमें आप अपना CA नंबर मेंशन करेंगे गाइज। CA नंबर आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल पे मेंशन होता है। उसके बाद गाइज, एक OTP शूट होगा आपके जो फ़ोन नंबर है जो उस इलेक्ट्रिसिटी बिल से कनेक्टेड है उसके ऊपर, वो आप फ़ोन नंबर इसमें एंटर कर देंगे। सो गाइज, OTP एंटर करने के बाद आपके सामने स्क्रीन खुल जाएगी जिसमें आपका CA नंबर, नेम, इंस्टॉलेशन एड्रेस, मोबाइल, ईमेल आईडी, ये सब डिटेल्स होंगी। आपके अंदर अल्टरनेट ईमेल, अल्टर
इंटरनेट फोन नंबर भी ऐड कर सकते हैं। इसमें आप ड्वेलिंग यूनिट टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर आप प्राइवेट हैं, पब्लिक हैं, सेमी पब्लिक हैं, उसके हिसाब से अपने ड्वेलिंग यूनिट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद गाइस आप ड्वेलिंग यूनिट सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप हाउस हैं, किराना शॉप हैं, या फिर हॉस्पिटल हैं, या फिर कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। उसके बाद चार्जर टाइप गाइस, जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पे तीन तरीके के चार्जर हैं, LEV AC और भारत AC001 और DC फास्ट चार्जर। गाइस नेक्स्ट आप EV वेंडर का, जो आपका जिस वेंडर से आप लेना चाहते हैं उसका नाम डाल सकते हैं। अगर आप कजैम से लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन में कजैम डाल सकते हैं। सब्सिडी मॉडल गाइस दो मॉडल हैं, केपेक्स और ओपेक्स। मैंने सिर्फ केपेक्स की बात करी है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं आपको केपेक्स मॉडल चाहिए कि ओपेक्स मॉडल। ये वेंडर टू वेंडर डिपेंडेंट है कि वो केपेक्स दे रहा है कि ओपेक्स दे रहा है। नंबर ऑफ क्वांटिटी गाइस, जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि आप अगर इंडिविजुअल हाउस हैं और एक ही मीटर है और रेजिडेंशियल मीटर है, तो आप एक यूनिट खरीद सकते हैं। लेकिन यदि आप कमर्शियल मीटर है तो आप 20 यूनिट तक खरीद सकते हैं। सो गाइस जब आप सारी डिटेल भर देंगे, नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप चाहते हैं तो अगर इलेक्ट्रिसिटी मीटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर लोड चेक है कि आपको चेक करना है कि इतना लोड आपका मीटर ले सकता है नहीं, तो आप वो लोड डाल देंगे। अगर यदि आप 3 किलोवाट का चार्जर ले रहे हैं तो यहाँ पे 3 डाल दीजिए, तो ये आपको बता देगा कि आपका जो लोड सेंक्शन है उतना है या नहीं। मोस्टली गाइज आपका जितना घर में हमारे रेजिडेंशियल हाउसेज में लोड सेंक्शन होता है वो 3 किलोवाट तक का होता है, और जो कमर्शियल में वो 10 किलोवाट से ज़्यादा होता है। उसके बाद गाइज आप सबमिट कर दीजिए, एंड इसके बाद जो आपका वेंडर है उसके पास इन्फॉर्मेशन चली जाएगी और वो आपको अपने आप कॉन्टैक्ट कर लेगा। तो गाइज ये था प्रोसेस रजिस्टर करने का। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कजैम की वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर कर सकते हैं और हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी और पूरा प्रोसेस आपको समझा देगी और आपकी हेल्प कर देगी। गाइज कुछ और फाइनल बातें जो हमें ध्यान में रखनी है, यह सब्सिडी स्कीम 30,000 चार्जिंग स्टेशन तक एप्लीकेबल है, उसके बाद ये एप्लीकेबल नहीं होगी। गाइस की पेमेंट टर्म्स फ्लेक्सिबल हैं, यानी कि वेंडर आपको खुद कांटेक्ट कर लेगा जब आप रजिस्टर कर देंगे, एंड देन यू कैन डिस्कस विद हिम अबाउट द पेमेंट टर्म्स। आप ये चार्जिंग स्टेशन अपने नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन से लगा सकते हैं। अगर आपको सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, सब्सिडाइज बिजली चाहिए, तो आपको अलग से मीटर लगवाना पड़ेगा अपने डिस्कॉम से बात करके, जिसकी अलग कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी। मैं ये रिकमेंड करूंगा पहले आप चार्जिंग स्टेशन लगवा लीजिए, कुछ महीने इसको इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद आप सब्सिडाइज मीटर है वो लगवा सकते हैं। ये चार्जिंग स्टेशन आप अपनी गाड़ी और दूसरों की गाड़ी को चार्ज करने के लिए यूज कर सकते हैं। गाइस कौन सा चार्जर खरीदना चाहिए, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप LEV AC लीजिए, क्योंकि ये ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाउएवर अगर आप बहुत हैवी कमर्शियल यूजर हैं तब आप भारत AC001 या फिर DC चार्जर के लिए जा सकते हैं। गाइस इसमें इंडस्ट्रियल कनेक्टर है और 3-पिन कनेक्शन नहीं है। ऐसा क्यों है इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि आप एक इंडस्ट्री कनेक्टर टू 3-पिन कन्वर्टर ले सकते हैं और वो इस चार्जिंग स्टेशन के ऊपर लगा सकते हैं। गाइस अगर आपको और भी कोई डाउट है तो प्लीज गो टू आवर वेबसाइट kazam.in, फिल इन योर डिटेल्स और हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी। ओके गाइस यहाँ पर वीडियो खत्म होती है। आई होप आपको अच्छी लगी हो। डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।